नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में। और आज हमारे साथ मौजूद है बरेली के एएसपी आईपीएस अभिषेक वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जी थैंक यू। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं अपना पहला सवाल पूछूंगा कि सर, लॉकडाउन को लेकर पुलिस की तैयारियां क्या है, आप जरा हमें बताइए बरेली पुलिस की। लॉकडाउन को लेकर के हमारे यहाँ पुलिस की रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है। साथ में हमारे यहाँ पूरे जिले में बैरिकेडिंग की गई है इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जहाँ पे डेली गाड़ियों से चेकिंग होती है, उनके पास चेक किए जाते हैं। और जो हमें लगता है कि इस इंसान को सड़क पे रहना चाहिए, जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं सिर्फ वही सड़क पे रहते हैं, और बाकियों को हम चेक करते हैं। और चेकिंग के दौरान अगर पाते हैं कि वो लोग गलत है तो उनका चालान भी करते हैं। और हम लोग डेली कम से कम 2 या 3 FIR हर थाने में लिखी जा रही है, जो इस लॉकडाउन को उल्लंघन करते हैं लोग उनके खिलाफ। तो लॉकडाउन को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, और सभी लोग इसमें डिपार्टमेंट के पूरे लोग कॉन्स्टेबल से लेकर ऊपर सीनियर ऑफिसर तक सब लोग ऑन ग्राउंड रहते हैं और पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। सर, तो अभी किन किन चीजों पे पाबंदियां अभी तक लागू हैं? देखिए, अगर आप बेफालतू के बिना किसी रीजन के आप सड़क पे घूम रहे हैं और एक गाड़ी में चार पांच व्यक्ति घूम रहे हैं, या एक मोटरसाइकिल से एक से ज्यादा व्यक्ति घूम रहा है, तो ये सब नहीं होगा। अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, या किसी भी दवाई लेने जा रहे हैं, किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जी तो यही जो बेसिक चीज है यही अलाउ करी गई है। और बाकी सभी लोगों को हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर ये रिक्वेस्ट नहीं मानते तो उनके ऊपर इसी के ऊपर एक्शन भी लेते हैं कि जो लोग विदाउट एनी रीजन बाहर घूम रहे हैं उनको हम एक्शन लेकर के उनके खिलाफ FIR लिखते हैं। ओके सर, क्या वहां की जनता लॉकडाउन को सफल बनाने में आपको कोऑपरेट कर रही है? देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं वो लॉकडाउन से लेकर बहुत सीरियस हैं और पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जरूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना पीना भी खिला रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर के, और मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो पुलिस के साथ सहयोग में, प्रशासन के साथ सहयोग में। तो कुछ लोग हैं जो बदमाशी तत्व होते हैं वो हर जगह होते हैं, और सिर्फ वही लोग लॉकडाउन को असफल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके सर, जैसा कि कल न्यूज़ आई थी कि इज्जतनगर में पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, सर उस केस के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, लॉकडाउन को लेकर के हमारी जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होती है वो गली मोहल्ले में जाती है, लाउड स्पीकर से अनाउंस करती है कि आप लोग घरों के अंदर जाइए। उसी क्रम में कल थाना इज्जतनगर में एक गांव है करमपुर चौधरी, उस तरफ पुलिस टीम गई थी। हमारे सीता मोहल में 2 जवान गए थे, वो कुछ लोग जो बाहर ताश खेल रहे थे बाहर बैठकर, उनको जब मना किया गया कि आप तो यहाँ खेलिए आप अंदर जाइए, तो वो अपनी धमक दिखाने लगे, पुलिस के ऊपर अपनी धमक जमाने लगे और उल्टा हमारे पुलिस वालों को धमकी देने लगे कि वो आपको करना कर लीजिए, हम लोग बाहर बैठेंगे। तो जब उनको थोड़ा डांटा फटकारा इसी को लेकर के वहां पे मोहल्ले के और भी लोग इकट्ठा हो गए, और इस बात को लेकर के उनके अंदर आक्रोश आ गया कि पुलिस हमें घरों के अंदर रख रही है, हमें कैद कर रही है। और इस बात को लेकर के वो लोग सड़क पर आ गए, और सड़क पर आने के बाद उन्होंने हाईवे पे जाम लगाने की कोशिश करी, जिससे जो इम्पोर्टेंट चीजों की गाड़ियां होती है जैसे एम्बुलेंस हो गई या फूड सप्लाई हो गई, सब गाड़ियां जो है वो वहां से निकल नहीं पा रही थी। और उन्होंने पूरे चौकी को घेर लिया, और चौकी पे बहुत कम स्टाफ था उस टाइम, और उन्होंने कोशिश करी कि चौकी को हम रैनसैक कर दें। इसको देखते हुए जब मुझे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त, हेलो, जब वो नहीं माने वार्निंग देने के बाद, उसके बाद हमने लाठी चार्ज किया। ओके तो सर, क्या ये प्री प्लान था या फिर वहां पे किसी में कोई भड़काऊ तत्व थे वहां पे जिन लोगों ने ये सब कर दिया? अब एक साथ इतनी अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो उनको उनको भड़का रहा है, उनको हमारे अगेंस्ट कर रहा है, पुलिस के अगेंस्ट कर रहा है, प्रशासन के अगेंस्ट कर रहा है।
और इसमें वहाँ के प्रधान का रोल भी आया है, उसने कई लोग को बोला है कि आप लोग जाइए, आप लोग चलिए पुलिस चौकी की तरफ चलिए, और उसको भी गिरफ्तार किया हमने, प्रधान को, उसके पूरे फैमिली को, उनको भी गिरफ्तार किया। ओके सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन को आग लगाने की भी इन लोगों ने कोशिश की रही, मतलब कोशिश की थी कि ये पुलिस स्टेशन को आग लगाने जा रहे थे, और इसमें शायद आप भी चोटिल हुए हैं तो। और सर इसमें ऐसा था कि ये सभी लोग वहां पर ऐसी भावना से आए थे कि पुलिस चौकी को हम लोग रैनसैक कर दें, घुस जाएं अंदर, कुर्सी वगैरह तोड़ दें, और उनका प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन उस प्लान के पहले हमने ही अपना प्लान एक्टिव कर दिया और उनको वहां से खदेड़ा, जिस कारण वहां पे हमारे जो सरकारी संपत्ति उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सर, तो आपके साथ और कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं? मेरे साथ 500 और लोग हैं जिसमें घायल हुए हैं, जिसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, मैं भी, मुझे भी थोड़ी चोट आई है पैर और हाथ में लाठीचार्ज के दौरान, बट मुझे प्राथमिक उपचार मिल गया है। ओके सर, इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? इसमें हमने 43% जो नेम्ड है उनके खिलाफ और साथ में 200 अज्ञात व्यक्ति अननोन जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR लिखी है, और 43% को हमने इस समय जेल भेज दिया है गिरफ्तार करके, और साथ ही साथ जो ये अननोन लोग हैं इनकी हमने वीडियो फुटेज निकाल के, मीडिया की जो फुटेज है या हमारे पास जो फुटेज है उससे हम मिलान करके लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हम आगे NSA की कार्रवाई भी करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स, कॉन्स्टेबल्स जो भी वहाँ ड्यूटी पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सर जो कैदी है उन लोगों के लिए कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा है? बिल्कुल, हमारा जो जेल में जितने भी कैदी हैं और जितने भी जो लोग जाते हैं यहाँ से मैनेज करते बैठते हैं, सबको सैनिटाइज कराया जाता है, सबको, जो बाहर से कोई नया कैदी अंदर जेल में जाता है तो उसको 2 to 5 days उसको अलग से एक कमरों में रखा जाता है और उनके पूरा मेडिकल जांच की जाती है, उसके बाद ही उनको जेल के अंदर भेजा जाता है, और जेल के अंदर भी प्रशासन इस समय सख्त, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, कई लोग को पैरोल दे करके छोड़ा भी गया है ताकि जेल डीकंजेस्टेड रहे और जेल के अंदर भी प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। ओके सर, अभी बरेली में कोई जमात से जुड़ा केस डिटेक्ट हुआ है क्या इस टाइम पर? नहीं, फिलहाल अभी कोई जमात से जुड़ा हुआ केस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, हालांकि हमारे पास इनपुट है और हम उस पर देखते रहते हैं, और अगर आगे कोई डिटेक्ट होगा तो जरूर पता चलेगा और आपको तो बताया जाएगा। ओके सर, बरेली में जैसे रिलीजियस प्लेसेस पर, सब्जी मंडियों में पब्लिक गैदरिंग लग गई कई जगहों पे, तो बरेली में मैं ऐसा कुछ देखने को मिला है? देखिए, जो नॉर्मल इंडियन लोगों की टेंडेंसी है कि सवेरे उठ कर सब्जी लेने जाना, उसी तरीके से हर शहरों में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, स्टार्टिंग में सवेरे सब्जी मंडी या थोक मार्केट में भीड़ रहती है, बट हम लोग उसको भी कर्टेल करते, हमारा पुलिस डिप्लॉयमेंट रहता है और कम से कम हम भीड़ रहने देते हैं मार्केट, और जिस टाइम लगता है ज्यादा भीड़ हो रही है उस टाइम हम मार्केट को बंद कर देते हैं, और जब भीड़ चली जाती है उसके बाद फिर से दोबारा मार्केट को ओपन करा देते हैं। ओके तो और सर, लॉकडाउन को मनाने में सफल बनाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमने सबसे पहले जितनी दुकानें हैं सबसे बाहर हमने सर्कल्स बनाए हैं जिसमें लोगों को दूर दूर किया खड़ा किया जाता है, जो बैंक्स हैं वहाँ पे हमारी पुलिस डिप्लॉयड रहती है, जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड रहती है ताकि एक साथ ज्यादा व्यक्ति भीड़ में ना निकले बाहर। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है, इस तरह भीड़ ज्यादा होती है हमारे लोकल मोबाइल पेट्रोल व्हीकल जाके वहाँ अनाउंसमेंट करती है लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, और जितने भी मेन रोड पे जितने रास्ते गली मोहल्ले के निकलते हैं हमने हर उस जगह पे बैरिकेडिंग लगा रखी है, और वहाँ पे जब कोई आदमी निकलता है तो हम ये पहले देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर निकला है या ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकला है। ओके तो सर, कुछ दर्शक मेरे बरेली से हैं तो ये उनका सवाल है कि अगर हमें कोई वॉलंटियर बनकर पुलिस की मदद करनी है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए वो अपने संबंधी जो निकट थाने हैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं या
हमारे यहाँ SSP सर का ऑफिस है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे करके आप पुलिस का वॉलंटियर बन सकते हैं। ओके सर, आखिरी सवाल कि आप जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से बस यही बोलना चाहूंगा कि इस समय जो ये बीमारी है, ये ऐसा कोई भी देश अब दुनिया में नहीं बचा जहाँ ये ना छुई हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इम्पैक्ट हो रखे हैं। हमसे कई अच्छे जो राष्ट्र हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हमसे बेहतर है, वहाँ पे भी लोग पैनिक में हैं। तो हम अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं जहाँ हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम इस स्थिति को यहीं पे कंट्रोल कर लें तो ज्यादा बेहतर। उसके लिए जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अपील करी है उसको जनता जरूर सफल बनाए, और पुलिस, हॉस्पिटल, प्रशासन, हम सबका सहयोग दें। हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, हम लोग आपके सेवक हैं, हम लोग आपकी सेवा के लिए बहुत तत्पर है, और हमारे साथ आप सहयोग करिए और इस लॉकडाउन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।